जीतेगा तो मेरा नेता ही। नहीं नहीं, मेरा नेता जीतेगा। ज्यादा मत बोल तो टांगे तोड़ दूंगा। मैंने कौन जी तेरी पायल की तेरे चूड़िया पहनी है। जीतेगा तो मेरा नेता ही। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, चल। मैंने कौन सी तेरी गोबल जैसी शक्ल नहीं देखी, चल यहाँ से निकल। ओह नो। देखो आरू भाई कितने अच्छे दोस्त थे, आज इलेक्शन के चक्कर में लड़ रहे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। तो आज हमारे बीच होंगे लोगों की पार्टी से मिस पायल जी। तो दूसरी तरफ होंगे इंटरनेशनल पार्टी से मिस्टर बेताल जी। नेक्स्ट जो प्रत्याशी है निर्दलीय, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही देख लीजिए। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा मिस पायल जी से। आप मुझे बताएंगे कि लोग आपको वोट क्यों देंगे, आप अपने वोटरों के लिए क्या करेंगे? मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे एमपी बनने के बाद इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। ये तो पत्थर पर लकीर है, आएगी तो हमारी सरकारें। ये 2% के पार्टी के लोग इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे, इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, वोट हमें ही देना। अब बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी से, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? हमने विकास किया है, विकास करेंगे, इसलिए मेरे बेटे का नाम भी विकास है। ऐसा नहीं है कि कल के उठे आए हम राजनीति में, ठीक है, हम है खानदानी राजनीति में, इसलिए मेरे को वोट दो, मैं तो नक्शा ही बदल दूंगा देश का। तो सर आप जनता के लिए क्या नया करेंगे? जनता के लिए मैं बिजली फ्री कर दूंगा, हमारी सरकार ने कर ली है। मैं बस का किराया फ्री कर दूंगा, अरे हमारी सरकार ने वो भी कर लिया है। मैं पेट्रोल सस्ते कर दूंगा, बहुत पहले हो गया है। सिलेंडर फ्री, अरे हमारी सरकार ने वो भी कर लिया। जनता मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, सब कुछ फ्री। अब बोलो। ओह नो। अच्छा हाँ, तो मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, मेरे को वोट दो, देश का उद्धार कर दूंगा मैं। अब बात करते हैं निर्दलीय कैंडिडेट से, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? पहले तो जनता से फ्री वाली आदत छूटनी चाहिए। फ्री वाली आदत छूटेगी? जो व्यक्ति खाना पीना बिजली जैसी छोटी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति विकलांग की बनती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो कहता हूँ उन व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कुछ फ्री होना चाहिए तो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। लोग फ्री फ्री के चक्कर में खुश हो रहे हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ रहा है। समझा? नहीं तू समझा नहीं। इन छोछलों से बाहर निकलना पड़ेगा और आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जो देश का विकास करें और झूठे वादे ना करें, और आप अपना कीमती वोट मुझे दें। तो ये थे हमारे बीच आज के 3 उम्मीदवार, तो आप लोग सोच समझ के वोट दीजिएगा। धन्यवाद भाजी। हाँ, इस बार जीतेंगे भी हम। अरे क्या बात करा बार भाजी, इस बार ना टक्कर बहुत कांटे की आएगी। अच्छा, अरे मीनाक्षी मैं जीत तो जाऊंगी ना, कहीं वो बेताल सिंह तो नहीं जीत जाएगा? अरे फिर आई बात, मैं हूँ खानदानी राजनीति में यार, तेरे को पता हमारे तो खानदान के लिए ना। मैडम जी, ऐसे फ्री फ्री के चक्कर में तो हमारा देश गरीबी की ओर चला जाएगा। अरे हमें उससे क्या, हम तो पैसे वाले हैं। इलेक्शन जीती तब भी ठीक, नहीं जीती तो हम तो फकीर है, झोली उठाकर चल देंगे। अच्छा मैडम जी, ये तो वही बात होगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ अब समझी थी ना, वो क्या है मिस पायल, कल की आई लड़की है वो, जीतूंगा मैं ही, मेरे को पता वोट कैसे लेने, तो चल मेरे साथ।
भाई जी नमस्कार 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 जी, नमस्कार जी नमस्कार जी महाराज और जी ठीक है ओ बढ़िया सर बढ़िया मजे सर मजे भाई जी ओहो इसकी क्या दुर्दशा है चलो चलो ये तो चाहिए जी पर चलो वो तो मिल जाए ये वो बाकी में ये अच्छा वो बिल्कुल बिल्कुल भाई जी आपको तो पता है मैं इलेक्शन उठा ना हां हां वो तो भाई जी है ना अरे कमाल कर गया जीतने जी में जीतेंगे आप जीतेंगे आप देखो आप कम कम ही नहीं कुछ रखेंगे अरे कमाल करें हम भी नहीं रखेंगे देखो ये वाला पूरा सहयोग देंगे हम आपका अरे ये तो चाहिए थी अरे भाई भाई यार उस मिस पायल को नहीं अपने वोटो अरे यार आप टेंशन क्यों ले रहे आप पक्का ना भाई अरे 100% करेंगे हम आपको ठीक है जीतने के बाद अरे अरे भाई सबसे पहले फोन करेंगे आपको यार भाई जी कब भी बोल रहे हो आधी रात को भाई जी हम खड़े हैं आपके साथ चलो ठीक है भाई जी पता आप शौकीन है तो आप क्यों टेंशन ले रहे चलो ये तो खाली और क्या चीज मारो बस बस बोलते रहना यार भाई जी धन्यवाद है ना हम आगे गांव में और बंदों को फोन अपने बंदों को ना सबको फोन करना फोन ठीक है ना भाई जी ठीक है ना भाई जी ठीक है भाई जी सही बोर्ड तो पक्का ही है चलो बोतल भी आ गई पैसा भी आ गया ये तो मेरे को खरीदने के चक्कर में हो गए साले को तो मैंने वोट ही नहीं देने ये तो मेरे को खरीद ही रहा है साला वैसे लीडर होते हैं ना ये खरीदने वाले पैसे दे के जो वोट लेते हैं इनको तो वोट ही नहीं देने कभी हमने गया वो जमाना जहां पैसे से खरीदे जाते थे वोट हम तो बोतल ही मारेंगे बाबा नमस्कार भाई जी नमस्कार भाई नमस्कार कैसे हो पहचाना भी आपने भाई मैंने तो पहचान लिया इलेक्शन के बाद आप नहीं पहचानते ये तो धोती खोल रहा है अरे भाई जी क्या बात कर रहे हैं आपके लिए तो आधी रात तैयार है हम हाजिर है आपका भी बोलो आप बस आप जिताओ बोर्ड देने आपने मेरे को ही भाई आधी रात को क्या आप तो दिन को भी दिखाई नहीं देंगे फिर अरे भाई जी क्या बात कर रहे हैं आपको नहीं पता आपने हमारा घोषणा पता नहीं पड़ा क्या क्या घोषणाएं की हमने भाई जी आप एक बार पढ़ो आप तो ऐसे बोर्ड देंगे ऐसे काम करेंगे हमने ऐसे काम करेंगे आपने कभी भाई सोचा नहीं होगा भाई जी बस बोर्ड दो आप उसमें स्पाइल क्यों आपने बोर्ड से ठीक है भाई जी घोषणाएं तो छोड़ो महंगाई और बेरोजगार के लिए क्या करेंगे आप अरे रोजगार की बात कर रहे आप रोजगार हम ऐसे देंगे टका टक टका टक टका टक महंगाई ऐसे ही खत्म होगी फटाफट 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 बस आप वोट मुझे ही देना भाई जी भाई ये टका टक फटाफट तो दे रहे ना पेपर प्लान क्या है वो बता भाई पेपर प्लान भी हो जाएगा मतलब अभी सोच रहे हम पर आपकी महंगाई और बस बोर्ड देना सब कुछ हो जाएगा जी ध्यान रखना प्लीज बोर्ड देना भाई जी उसको देना उस लड़की ने काम करूंगा मैं ठीक है भाई जी ठीक है ना मुश्किल है बोर्ड इसके लिए ठीक नहीं है इतने क्वेश्चन कौन पूछता रहा अरे मैडम जी प्रताप सिंह तो हार गया मैं हार कैसे सकता हूँ यार मैंने क्या नहीं किया इस इलेक्शन के लिए मैंने क्या पापड़ नहीं मिले मैंने पैसे बांटे मैंने बोतलें बांटी मैंने झूठे वादे किए मैंने क्या नहीं किया मैं कैसे हार सकता हूँ लगता है लोग जागरूक हो गए लोगों की सोच बदल गई है लोग विकास को वोट दे रहे विकास के नाम पे वोट दे रहे ना कि झूठे झमेलों पे यार मैं हार गया यार शिट 5 साल घुस गए मेरे अरे मीनाक्षी मुझे तो पता था वो तो हारेगा ही तू ये बता मैं कितने वोटों से जीती अरे मैडम जी आप भी हार गए तो फिर जीता कौन अरे मैडम जी वो निर्दलीय उम्मीदवार जीता अरे वो कैसे जीत गया उसने तो कोई फ्री की घोषणा भी नहीं की थी लगता है जनता बहुत जागरूक हो गई है इतना सारा खर्चा किया था मैंने 20 तो सूट लिए थे अब क्या करें मैं आप सभी आम जनता का धन्यवाद करता हूं आपने पार्टी को नहीं विकास को जीता है मैं आपसे वादा करता हूं मैं फ्री की सुविधा नहीं बल्कि अच्छी सुविधा दूंगा मैं आप लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं डालूंगा बल्कि
सबको रोजगार दूंगा। आप लोगों ने मुझे जिताया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो काल्पनिक है। इस वीडियो में ली गई सभी घटनाएं, पात्र सभी काल्पनिक है। ये वीडियो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी को ना ही समर्थन करती है, ना ही उसका विरोध करती है। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। हाँ, सबसे बड़ी बात, वोट सोच समझ के दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो, चाहे हैदराबाद हो। जय शंकर भगवान, और वोट देना जरूर देना, है ना।